मैं मूंगफली बेचता हूँ, तुम एक बिल्डर की बेटी हो। प्यार अमीर गरीब देख के करा जाता है क्या ये? मुझे नहीं पता उसको समझाते क्यों नहीं, तुम उसको समझाओ, मेरे बारे में इतना उल्टा बोलता है वो। मैं तुमसे जब शादी करूंगा तेरा बाप मेरे 20 लाख रुपए माफ कर देगा, तो मैं भाग के शादी कर लूंगी तुमसे। प्यार करती हो फिर इसी मूंगफली वाले से, इससे जो हमारी हैसियत का नहीं कुछ नहीं। तुम एक करोड़पति हो और तुम्हारी बेटी एक मूंगफली बेचने वाले के साथ शादी कर रही है। मैं कराऊंगा शादी। पता नहीं है क्या, हम गरीबों की कोई औकात नहीं होती। किसी और लड़की को ढूंढ, उससे शादी कर। ये तेरे को ना अपनी बेटी से शादी करने वाला नहीं है भाई। हम गरीबों की कोई औकात नहीं होती। अगर हम गरीबों की औकात होती ना, आज हम इस बेंच पे नहीं बैठे होते। अपने लिए ना 3-4 टेबले लेके आते, कपड़ा वपड़ा लगवा के ना बैठ जाते, क्योंकि गरीबों की कोई औकात ही नहीं है। ये बेंच भी देख रहे हो, ये भी टूटी हुई है। लेकिन ये इन जैसे अमीर लोगों की भाई मत बोल भाई, कुछ भी मत कर, शादी छोड़ दे, इस लड़की का पीछा ही छोड़ दे तू। तो क्या मैं तेरे बेटी के पीछे आया हूँ क्या? तेरी बेटी खुद आ रही है मेरे पास। ओए बकवास मत कर, मूंगफली बेचता है जो बेचना तुझे, समझे? अबे तेरी बेटी खुद आई है, समझ आई है? बकवास मत कर, मेरी लड़की पर डोरे डालेगा तू? मैं डोरे डाल रहा हूँ? अपनी लड़की से जाके पूछ। दो कौड़ी का आदमी, दो कौड़ी का क्या? तू भी वही दाल रोटी खाते, मैं भी वही खाता हूँ। ये अगर ठंड में अगर मूंगफली नहीं बेचेगा ना, तो मूंगफली नहीं खाएगा, सोच लो भाई। बादाम खाएंगे फिर? हाँ बादाम खाओगे, पूरी जिंदगी बादाम खाते रहोगे ना, एक महीने में जितने पैसे कमा रखे ना सारे खत्म हो जाएंगे। 20 लाख शुक्र मनाओ, शुक्र मनाओ कि भगवान ने मूंगफलियां बहुत ज्यादा करी है, पैदावार ज्यादा है, तो तुम मूंगफलियां खा के अपना गुजारा कर लेते हो ठंड में। इसके बाप से दिलवा दो ना। क्या दिलवाऊं? मतलब इसका बाप ने, तो इसके बाप ने, बाप ने लिया था ना, मैंने तो लिया है यार। बाप तू मतलब तेरा बाप नहीं है वो? तो बाप है तो बाप से ले जाके, बाप का खर्चा जो तू नहीं देगा तो मैं दूंगा जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे। मकान बना के बैठ गए, लंबे छोटे मकान बना के बैठ गए, रईस बन रहे हो? अपनी कमाई के बना रहे हैं ना, तेरे से ले मांग रहा हूं। 20 लाख रुपया लिया था, उसका इंटरेस्ट लगा लिया सारी जिंदगी भर। पागल वागल है क्या? हाँ पागल पागल दिखा दे रहा है। करूंगा तेरी बेटी, रह दे रहा है, कर लेगा, करूंगा जो करना कर ले, अपनी बेटी से जाके पूछ। दामाद है आपका, देख ले कितनी इज्जत करता है आपकी। इज्जत करता मूंगफली, ये सड़क छाप मूंगफली बेचने वाला, मूंगफली बेचने मेरी खरीद के जाते, वो मूंगफली जो खाता है। मूंगफली बेचने वाले ने ना अपने 4 फ्लोर खड़े कर दिए होंगे आपके, अभी भी वही 1 फ्लोर ग्राउंड फ्लोर में अपनी गाड़ियां खड़ी करते हो, फर्स्ट फ्लोर पे तुम रहते हो। गलत नंबर डायल कर रखा है समझे? इतना छोटा मकान है इनका, नीचे वाले फ्लोर में गाड़ी लगते है, ऊपर वाले में कमरे और बाथरूम के लिए 3rd फ्लोर पे जाओ। बढ़िया घर बना, अमीर है ना, कुछ भी कर सकते हैं। संडास ऊपर, खाना नीचे, बिल्कुल बिल्कुल, पार्किंग गाड़ियां की पार्किंग। तुम्हें पागल लोग हैं, खाओगे तो ऐसी होगा, हराम की खाओगे तो ऐसी रह गए। हराम की खाओगे तो दिमाग काम नहीं करेगा। मूंगफलियां खाओ, मूंगफलियां हमारा पैसा दे दे, मूंगफलियां खाओ, मूंगफलियां ताकत लाओ अपने अंदर, ताकत बता देंगे क्या कर ले। मैं क्या कह रहा हूँ, पीनट बटर पे आ जाएगा सड़क पे। अरे यार एक मैं क्या खंडर बना रखा ना, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, पीनट बटर के बारे में आपको पीनट बटर के बारे में पता? वो मूंगफलियों से बनता। अच्छा वो खाओगे उससे ताकत आती है। अच्छा तो आप इससे मूंगफलियां कब का? आप इस बेचारे को कह रहे हो तू मूंगफली वाला, तेरे को हम अपनी बेटी नहीं देंगे। यार गरीब है तो आप अपनी बेटी नहीं दोगे? गज्जा खोल ले, मंगा ले, समझे? तेरा बिजनेस बढ़ जाएगा, मेरी चिंता मत कर, लड़कियों के चक्करों मत पड़, शादी भी करके दिखाऊंगा तेरे को, समझ आ रही है? कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। हाँ जी भाई, क्या हाल चाल आप सभी के? ओप्पो के सारे बढ़िया। अरे भाई दो मिनट बैठ जा, मूंगफली खा, मूंगफली खा, मूंगफली खा, शांति से बैठ जा। भाई हेलो, छोड़ देना, छोड़, बोलते रहेंगे अमीर, अमीर बोलते रहते, तेरे को पता नहीं उनको बीमारी होती बोलते रहने की। हाँ जी भाई, क्या हाल चाल आप सभी के? ओप्पो के सारे बढ़िया। हम आ चुके और एक हेल्पिंग वीडियो के साथ। आज भाई यहाँ पे ना हम मूंगफली बेचने वाले की हेल्प करने के लिए आ रखे हैं, और हमें कोई शर्म नहीं आती भाई। मूंगफली हम भी खाते हैं, आप भी, जितने लोग मूंगफली खाते हो ना, वीडियो में सिर्फ यूं बता देना कि ठंड में कौन मूंगफली खाता है कौन नहीं। और इसको देख लो, इसको देख लो, ये पता है क्या कह रहा है कि मूंगफली बेचने वाला, गज्जक बेचने वाला, ये वो यार, क्या इसकी जिंदगी नहीं है? है गज्जक बेचने वाला नहीं आई हुई है साला, ओए रुक जाओ थैले। मैं क्या कह रहा हूँ, इस बंदे ने मूंगफली बेच बेच के, इस बंदे ने मूंगफली बेच बेच के 4 फ्लोर खड़े कर दिए। इसको जलन हो रही है, इसको जलन हो रही है, क्योंकि बिल्डर होके भी ना बिल्डिंग नहीं बना पाया, 2 फ्लोर बना पाया बस। छत पे संडास है इनके, फर्स्ट फ्लोर पे इनके रहने का सिस्टम है, नीचे इनके किचन और पार्किंग है। बताओ, अपनी गाड़ी नहीं है इनके पास, अपनी गाड़ी नहीं है, पड़ोस की गाड़ी खड़ी करवा के 2000 रुपए किराया लेते हैं। अमीर है, खुद का ठेला है, खुद का ठेला लगा जा ठेला पे, वो टमाटर बेचना शुरू कर दे। दूंगा सब बेचेगा, एक टमाटर तो महंगे हो रहे हैं। टमाटर केचप तो तेरे नसीब में जलन हो रही है, एक मिनट रुक जाओ भाई। हाँ किलो, एक मिनट, वो टमाटर भी बेचेगा, आपको क्यों जलन हो रही है? तो ये हमारे बच्चों पे नजर डालेगा, हमारी लड़की पे नजर डालेगा? एक मिनट, एक मिनट, वो कौड़ी का आदमी,
इसके बाप ने आपसे कर्जा लिया, लिया 20 लाख रुपए, 20 लाख लिया वो, इसके बाप ने लिया, इसने लिया, इसके बाप ने लिया, तो ये तो मैं क्यों दूं? अरे एक मिनट, ओ बीमारी, तू अपने बाप की औलाद है, जवाब दे। मैं ये कह रहा हूँ बाप की औलाद है नहीं है, मैं क्या कह रहा हूँ सुनो तो, आपको किससे लेने पैसे? बाप से, बाप के लिए आपको जाना पड़ेगा ऊपर, बाप का बेटा देगा ना ये? मैं क्यों दूं? बेटा देगा लेकिन इज्जत से देगा बेटा, पता है क्या कह रहा, सुनो बेकार की बात मत करो, उस पैसे से मकान बनाया हुआ है तो तेरे क्या जलन हो रही है? तेरा मकान नहीं है, तेरे से ज्यादा आगे निकल रहा तो जलन हो रही है। मेरे से आगे निकल जाएगा? जा तेरी बेटी से देख, शादी भी कर लूंगा, ख्वाब निकाल ले, मुंगेरी लाल का क्या कर लेगा, करूंगा। खामोश, चुप, बकवास नहीं, तेरी बकवास सुनने नहीं आया इधर मैं, होश में बात करना मेरे से, निकल चल। भाई मैं तो मूंगफली लेके आ रहा हूँ, तभी मैं आपका वीडियो करूंगा, ठेला लगाना भी बंद कर देगा, ध्यान रखना। दिक्कत हो रही है, मैं मूंगफली भी ना खाऊंगा। मूंगफली कैसे खा लोगे तुम? क्यों हमारा धंधा होता अच्छा नहीं लग रहा क्या तेरे? अच्छा धंधा बताओ यहाँ पे, एक मिनट भाई आप चुप बैठो, दो मिनट सारे चुप बैठना। कौन सी रोड पे होता है बता दीजिए, धंधा करेगा तो, अब धंधे पे आ गया, मूंगफली पे, मूंगफली नहीं बिक्री तो। अरे यार बिजनेस को धंधा बोलते हैं हिंदी में, क्या बात कर रहे हो? नाम सुना एक मिनट भाई, तू चुपचाप बैठ जा, ठीक है मत बोलियो। हाँ जी भाई, क्या हाल चाल आप सभी के? होबोगे सारे बढ़िया, हम आ चुके और एक साथ, आज के हेल्प करने के लिए आ रखे भाई मूंगफली वाले भाई की, इसकी शादी होने वाली है। एक मिनट भाई साहब, एक बार पूरी, आपको लगता है आप गलत नहीं हो ना? मैं बिल्कुल नहीं हो गलत, तेरे को लगता है तू भी गलत नहीं, सिर्फ दो मिनट दे दो उनको, बता दे क्या बात है, किनको बता रहे हो? जो भी वीडियो चल रही है, जो भी हम हेल्प करने, ठीक है करो करो। हाँ जी भाई, क्या हाल चाल आप सभी के? होपो के सारे बढ़िया। इनकी कंफ्यूजन में ना 3 बारी मैंने बोल दिया हाँ जी भाई क्या हाल चाल है, भाई मुंह सूखा पड़ा बिल्कुल, मूंगफली खाने का मन कर रहा है, लेकिन पहले पूरी बात बताऊंगा आपको। आ जाएगी पुराने, एक मिनट, आपने बोला ना मैं गलत नहीं हूँ, मत बोलो, जो गलत होगा वो बोलेगा, आप गलत नहीं हो ना, आप मत बोलो, दो मिनट मत बोलो। कई साल पुरानी छड़ी, कोई बात नहीं, दो मिनट मत, तू गलत नहीं है ना, चुपचाप बैठ जा बस, आप भी गलत नहीं हो, दो मिनट बैठ जाओ भाई। यहाँ पे सीन ये हो रहा है कि इसके बाप ने इनसे लिए थे 20 लाख रुपए कर्जा, पानी छिड़क के रेत मिला के बेचता मूंगफली, इनके ना कोई बीमारी है वही वाली जो मैंने पिछली वीडियो में बोली थी, समझ रहे हो ना कौन सी? मैं ये कह रहा हूँ कि इसके इन्होंने इनके बाप को दिए थे 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए इस चक्कर में दिए थे, कर्जे में आ गए थे, इन्होंने कर्जा ले लिया था, जब इनके पापा ने कर्जा लिया था तो उसके कुछ टाइम के बाद दुनिया छोड़ के चले गए, तो मर गया, तब ये बहुत छोटे थे, अभी हो गए बड़े, तो भाई जब इतना पैसा नहीं होगा ना तो या तो बंदा नौकरी करता है या तो बंदा समझ लो कुछ ऐसे वैसे काम करता, तो बंदे ने क्या काम करा इसने पता है क्या काम करा, इसने मूंगफली वगैरह का जो काम होता है धीरे धीरे इसने वो स्टार्ट करा, आज इसका अच्छा खासा काम है मूंगफली का, मतलब उत्तम नगर वाले एरिया में हर जगह इसी की मूंगफली, हर जगह इसी की मूंगफली जाती है, बहुत मशहूर है, आपने सुना होगा गुप्ता मूंगफली वाला, यही है वो बंदा। अब दिक्कत क्या हो रही है कि इनको, इसको ना, इसकी मतलब इसकी जो बेटी है ना वो भी बड़ी हो चुकी है, ये भी बड़ा हो चुका है, तो इसको पसंद करती है इसकी बेटी खुद इसको पसंद करती है और कहती है कि शादी करूंगी तो तेरे साथ। बकवास कर रहा है बिल्कुल, सच बता दे अभी इसी बात पे बिल्कुल। अबे तेरी बेटी खुद आई मेरे पास, इसकी शक्ल देख लो, वो प्यार करती है, मैं नहीं करता। पिचकू राम की शक्ल देख लो, अबे इसी पिचकू राम पे आती है वो, इसी पिचकू राम पे आती है, मूंगफली खरीदने आती थी पहले, चर्बी चढ़ी हुई है तेरी आंखों पे, मूंगफली खरीदने आती थी, अब गजक भी लेने आएगी, देखता रहे गजक भी लेने आएगी, तो गजक भी घर का धंधा हो गया हमारा, बेच पाएगा तेरे घर फ्री बेच दूंगा गरीब मेरे, अब आती है उस पे से हल्दीराम से आती है, तेरी मूंगफली लेंगे हम, तेरी गजक लेंगे, बोलो आप बोलो पहले, बोलो क्या बोलूं, बता दो, नहीं बोलेगा आप उसको, मैंने मना कर, आप बोलते रहो, हल्दीराम से आती है, हल्दीराम से क्वालिटी की आती है, क्वालिटी होती है वो, कुछ तेरे वाले तो मेरी जाती, चप्पे जाती, कहाँ से जाती हल्दीराम, देखा कैसा, कभी गज्जक खाई है हल्दीराम की, कभी मूंगफली खाई है, कभी हल्दीराम की, हल्दीराम की दुकान देखी है, शॉप देखी कैसी होती है, बोल अब क्यों नहीं बोल रहा, जुबान नहीं रही ना, नहीं है ना, तुझ कर ले जो कुछ करना है तुझे, मेरे घर की तरफ झांकने की कोशिश मत करना, मूंगफली तो घर वालों को भी बोलो ना इसके ऊपर झांके ना, मूंगफली वालों पे डोरे ना डाले, कौन डाल रहा है बे, बकवास कर रहा है, तुम्हारी बेटी खुद ना एक मूंगफली वाले पे डोरे डाल रही है, और पता क्या कह रही है, मेरा कंजूस बाप तो मेरे को रोक भी नहीं सकता, शादी करूंगी बाप बाप के, लाखों रुपए महीना खर्च करती है वो अपने पैसे कमा के ना, तू क्या देता उसको? है उसको टिंडे की सब्जी, टिंडे की सब्जी क्या है? पनीर खाती है, पनीर इसके साथ जब मिलती है ना चिकन खिलाता है उसको, तुमने आज तक घर पे मटर मशरूम, चिकन पनीर, देखो क्या क्या सब्जियां बनती है हमारे पास, बंदे यार किस कैसे लोगों की हम हेल्प करने के लिए आ रखे, शर्म आ रखी है मुझे, हेल्प करोगे शर्म आ रखी है, मैं क्या कह रहा हूँ भाई, अगर
लड़का लड़की अगर आपस में प्यार करते ना तो ये अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती। प्यार, प्यार का मतलब ही नहीं है। और दूसरी बात ये, अब ये कह रहा है कि जो 20 लाख रुपए मेरे बाप ने दिए थे वो मैं दे दूंगा, मैं मना नहीं कर रहा। अगर मेरा ससुर बदतमीजी करेगा तो वो मैं बोलूंगा मैं तभी शादी करूंगा तेरी बेटी के साथ जब तू 10 वो 20 लाख रुपए माफ करेगा। ये फटीचर बोलेगा भाई, ये फटीचर 20 लाख का 20 हज़ार क्यों बोलेगा ये बात? भाई बदतमीजी कर रहा है, ऐसे मांगता है, प्यार से मांगे। मैं कह रहा हूं कमा के दे। जो जो लड़की है उसने क्या बोला तेरे को? उसने कहा शादी करने को, तो मैंने इसको कहा नहीं, तुमने ये बोला कि इसके बाप ने पैसे लिए तो मैं बाप से पैसे लूंगा। बाप से नहीं, तो बाप के लिए तो तुम्हें ऊपर जाना पड़ेगा। मैं बताता हूँ कहाँ जाना पड़ेगा। ये देखो, ये पत्ते हटा के आसमान देखो, आसमान देख लिया मैंने, वहाँ जाना पड़ेगा। मुझे जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ से वापस नीचे आ जाना। नहीं नहीं नहीं, पिचकू राम देगा, ये पिचकू राम देगा, पिचकू राम मूंगफली वाला देगा आपका पिचकू राम ना, आपका दामाद ना बन जाए, थोड़ा शांति से बैठ जाओ। इन बातों में मुंगेर डाल के हसीन सपने देख रहा, कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं है। सपना पूरा भी करके दिखाऊंगा, कुछ नहीं होगा। मैं करूंगा, अभी बेटी को बुलाऊं क्या तेरे फुटपाथ पर? काम कर, सुन तेरे बेटी बुलाऊं? एक काम कर, सुन में तू अभी अमीर है, बकवास करता जा रहा है, कोई बात नहीं है। बेटी फटा हुआ कंबल ओढ़े पैदा होते हैं, फटा हुआ कंबल ओढ़े ओढ़े मर जाते हैं, अच्छा है, फूंक दिए जाते हैं, ऐसे अच्छा है, अच्छा है मेरे से अच्छा। भाई ये तो वो वाली बात कर रहे हैं, अमीरों के पाद में भी खुशबू आती है, लेकिन आती बदबू ही है। आती बदबू ही है कि अपने आप को समझे कि हम अमीर हैं, हमने पाद दिया तो खुशबू आ रही होगी। नहीं, जब हम लोग मूली का पाद देखते हैं ना, तुमसे ज्यादा बदबू आती है उल्टा। जब हम तुम लोगों ना अपने मन में खुश होते हो, ऐसे लोगों को हमने तो गरीबों के सामने पाद दिया, अबे बदबू आती है तुम लोगों से, खुशबू आती है ना, तुम लोगों को पता नहीं है इस बात को, खुशबू आती है। कोई बात नहीं, अभी पता है यहाँ पे क्या होगा? अभी पता लगेगा ये कि हमारी वीडियो में कौन आके पा देगा। सुनो कैसे, तुम्हारी बेटी यहाँ पे आएगी, देखते हैं, तुम्हारे कान अपने खोल के रखना, तुम्हारी बेटी खुद बोलेगी कि मैं तेरे साथ शादी करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर तुम्हारी बेटी ने ये बोल दिया तो बोलेगी नहीं, कर्जा माफ कर देगा, कर्जा माफ कर दूंगा, कर देगा, कर दूंगा। 20 लाख की जुबान है ना, 20 लाख खत्म, मरती जुबान, 20 लाख खत्म। थोड़ा धीरे मार, नहीं लगवग जाए, छाती एक साइड के अंदर चली जाएगी यार, खत्म। 36 इंची है, 36 खत्म है, खत्म नहीं, 20 लाख माफ। मूंगफली खाकर मजबूत बन जाएगी, मूंगफली मुझे खाने से हल्दीराम से आती है, ले जाकर कुछ ही लगा, गज्जक भी खाकर पुरानी। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, तू लड़की को बुला सकता है यहाँ पे? हाँ भाई बुला सकता हूँ। अभी तुम्हारी बेटी आएगी यहाँ पे, और तुम्हारी बेटी अगर तुम्हारे कानों में अगर तुम्हारे आवाज आ गई ना कि तुम्हारी बेटी ने बोला कि हाँ मैं इस मूंगफली वाले के साथ शादी करूंगी, तो इसका 20 लाख माफ और शादी के पैसे तू देगा? हाँ शादी के मैं दूंगा, ठीक है। उस टाइम पे आपकी जब नाक कटेगी, जब अच्छा लगेगा, नाक क्यों कटे, नाक बहुत लंबी है, कोई बात नहीं। देखो देखो, देखो अमीरों की देखो, जब नाक कटेगी लास्ट में कैसे कटेगी वो देख लेना, वीडियो को देखना एंड तक, लड़की को बुलाने वाली है थोड़ी देर में। इसकी भाई साहब की बात मत सुनो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो लोग भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराना अभी सब्सक्राइब कर दो। अभी देखना नाक कितनी जल्दी कटने वाली है, लड़की को बुलाने वाली थोड़ी देर में। फोन निकाल भाई अपना, लड़की को फोन कर, उसके बाद देखो क्या होता है। मैम आपको मिलते हैं वीडियो के एंड। हेलो, आगे तुम बैठो और बताओ। सब ठीक है। और बताओ फिर क्या सोचा है तुमने हमारी शादी के बारे में? शादी के बारे में तुम्हें यार शर्म नहीं आ रही? मतलब कि मैं मूंगफली बेचता हूँ, तुम एक बिल्डर की बेटी हो। अरे यार प्यार अमीर गरीब देख के करा जाता है क्या, ये बताओ। वो बात सही है, बट तुम्हारे पापा नहीं मानेंगे, क्या बोलेगा समाज में कि मूंगफली बेचने वाले के साथ तुमने शादी कर ली? मेरी सुनो, बाकी उसे मुझे कोई मतलब नहीं है, और रही बात पापा की, मैं पापा की सुनती नहीं हूँ। अब मेरी इतनी उम्र हो चुकी है कि मैं अपने डिसीजन खुद ले सकती हूँ। यार वो बात सही है, मैं भी ले सकता हूँ, बट तुम्हें पता मेरे है देखो मेरे पापा को तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, मेरे पापा सुनते तो है नहीं किसी की। यार नहीं सुनते, बट जब हम बात करते बीच में वो क्यों बोलते हैं, उनको समझाते क्यों नहीं हो तुम? यार बार बार कर्जे वाली बात ला देते हो। देखो मैं तुम्हें कितनी बार बोलती हूँ ना कि उनसे ये बात मत करे करो, बात ही मत करे करो तुम। तो हमारे बीच में बोलते हैं ना, मुझे अच्छा नहीं लगता यार। यार तुम पता नहीं क्यों उनकी, जब उनकी तो आदत ही है बोलने की, वो मेरे को भी कितना कुछ बोलते हैं, मैं तो इग्नोर करती हूँ ना, तो तुम इग्नोर नहीं कर सकते क्या मेरे लिए? यार वो बात सही है, बट देखो यार मेरे पास भी इतना कर्जा है, मेरे पापा तीन चार लोगों से कर्जा ले रखा था, मैंने सबका चुका दिया, मैं चाहूँ तो उनको भी चुका दूँ उनका कर्जा, लेकिन वो मेरे को गलत बोलते हैं, मेरे बारे में उल्टा बोलते हैं, इतना गंदा बोलते हैं, मुझे खुद को शर्म आ जाती है यार। यार देखो कर्जे वाली बात मैं उस पर कुछ नहीं बोलूँगी, मैं बस ये जानती हूँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे शादी करनी है तुमसे। और रही बात पापा की बात सुनने की, तो वो मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ, मेरी उम्र हो चुकी है, मैं अपने डिसीजन खुद ले सकती हूँ। यार तुम्हारी बात सही है, पर समाज क्या बोलेगा कि तुम्हें एक मूंगफली? समाज की मुझे फिक्र ही नहीं है किसी की,
मुझे अपनी और तुम्हारी फिक्र है, मुझे पता है तो मुझे खुश रख सकते हो, रख सकते हो ना खुश। यार तुम्हें भी पता है मैं तुम्हारे पापा से ज्यादा तुम्हारे पे खर्चा करता हूँ, तुम्हें शॉपिंग कराता हूँ अच्छे। मेरे पापा तो है ही कंजूस यार, मेरे पापा की बात मत करे करो मेरे साथ। यार मुझे बुरा लगता है यार जब हमारे बीच वो बोलते हैं ना, मुझे पता है कि वो गरीब के साथ कैसे शादी करेंगे। तुम्हारे बाप से ज्यादा अच्छा कमा तो इतना अच्छा नहीं कमा पाता, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए कमा लेता हूँ मैं। तुम्हें उससे ज्यादा शॉपिंग कराता हूँ, उससे अच्छा खाना देता हूँ, फिर भी मेरे बारे में इतना उल्टा सीधा बोलता रहता है वो। यार देखो मेरे बारे में वो उल्टा सीधा बोलते हैं, पापा की तो आदत है तुम्हें पता है। तुमको समझाते क्यों नहीं हो तुम? मैं यार समझाऊं कितनी बार समझाऊं, मैं 10 बार समझा चुकी हूं, मैंने बोलना छोड़ दिया यार। तुम क्यों सुनते हो उनकी? यार नहीं ऐसी नहीं होता ना, मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं। जब मैं तुमसे कह रही हूं मैं तुमसे शादी करूंगी तो फिर क्या हो गया, क्यों इतनी टेंशन लेते हो? नहीं यार मेरे को अच्छा नहीं लगता कि मैं क्या मतलब समाज ऐसे बोलेगा कि एक मूंगफली वाले के साथ शादी कर ली तुमने। मुझे मतलब ही नहीं है किसी से, मुझे तुमसे और अपने से मतलब है ना, मुझे अपने फ्यूचर से मतलब है। तुम मुझे खुश रखोगे ना? तो मैं तुम्हें रखता नहीं यार खुश, तो किस चीज की टेंशन ले रहे हो? यार तुम्हारे बाप का टेंशन है मुझे, मतलब मैं अपने घर में तो मुझे बता दूंगा, लेकिन तुम्हारे पापा शादी कैसे करवाएंगे? मेरे को मेरे पापा से कोई मतलब नहीं है, साफ सी बात। तो तुम उनको छोड़ के आ जाओगी? हाँ मैं सब छोड़ सकती हूँ तुम्हारे लिए। यार ऐसा मुझे इतना पता है, मुझे तुमसे प्यार है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ बस। यार मेरे पापा मानेंगे तो ठीक, नहीं मानेंगे तो फिर मुझे मैं कुछ नहीं कर सकती। यार ऐसा नहीं होता ना यार, पापा की आदत है बोलने की, तुम्हें पता है अच्छे से, तुम जानते हो ना मेरे पापा को। तो मैं इतना उससे थोड़ी ना सुन सकता हूँ, हमें जब मर्जी जब देखो मेरे को गंदा बोलता रहता है, नीच ये सब। यार करती हूँ ना उनको, तो मैं नहीं कर सकता यार इतना, मतलब नहीं कर सकते आप। तो तुम समझाती क्यों नहीं उसको? तुम्हारा बाप है, तुम्हें समझा सकती हूँ उसको। कितना समझाऊं उनको यार? यार मेरा सही में इतना दिमाग खराब हो रहा है यार। एक तो मैं आधी टेंशन तुम्हारी लूं, आधी फिर इन चक्करों के चक्करों में लूं। मन कर रहा सर मार लूं इसमें मैं, इससे क्या होगा? मुझे नहीं पता उसको समझाती क्यों नहीं, तुम उसको समझाओ, मेरे बारे में इतना उल्टा बोलता है वो। यार क्यों इतना गुस्सा करते हो तुम? तुम्हें पता नहीं है क्या पापा की आदत है? तो अपने घर में रखे ना वो आदत। पापा मेरी सुनते हैं? सुनते हैं? मेरी भी नहीं सुनते, वो तुम्हारी कैसे सुनेंगे? मुझे उनकी तो आदत है। ऐसा है ना, तो मैं तुम्हारे से जब भी शादी करूंगा, और शादी करने के बाद अगर दो मेरे 20 लाख माफ करेगा तो शादी करूंगा, वरना शादी नहीं करूंगा मैं। यार देखो कर्जे वाली बात मुझे मत बोलो, ठीक है? नहीं अगर तुम को इससे कोई उसे ऐसा लग रहा है कि वो ऐसे मेरे से पैसे ले लेगा ना, मैं तुमसे जब ही शादी करूंगा जब मेरा पूरा कर्जा माफ कर देगा वो, शादी नहीं करूंगा मैं। मेरे को मैं कितनी बार बोलूं, मेरे को ये कर्जे वाली से कोई लेना देना है ही नहीं, मुझे बस तुमसे मतलब है। और अगर मेरे पापा मानेंगे तो ठीक, नहीं मानेंगे तो मैं उनको छोड़ सकती हूँ। यार मेरा क्या फालतू क्यों गुस्सा करते हो तुम इतना? खान पीने की फालतू की टेंशन लेते रहते हो, दुकान पे आके सुना जाता सबके सामने मेरे को, बेइज्जती होती है हमारी भी इज्जत है कोई, समझ आ रही है? तो मैं क्या करूं मुझे ये बताओ ना। उसको समझा बुड्ढे को, मुझे नहीं पसंद ये सब, उसके 20 लाख रुपए भी नहीं दूंगा मैं अगर ऐसी हरकतें करता रहा हो तो। कितनी बार समझाऊं यार मैं, तुम तो मेरे पे ऐसे गुस्सा करते हो आकर। तेरा बाप है तो तेरे को ही बोलूंगा यार, मेरा सच में घर में मेरे इतनी प्रॉब्लम चलती है, बाहर की टेंशन, काम की चिंता, और बाकी ये आके बुड्ढा और सुना जाता है मेरे को। यार पापा की तो आदत है, मैं 10 बार बोल चुकी, पापा की तो है ही आदत। जब मैं अपने पापा को इग्नोर कर सकती हूँ, तुम नहीं कर सकते मेरे लिए इतना? मैं कितना इग्नोर करूँ यार तुम बताओ ना, मैं कितना इग्नोर करूँ? थोड़े दिनों की तो बात है, फिर हम शादी कर लेंगे, वो क्या ही कह रहा हूँ मैं, ही बोल पाएंगे? मैं जब भी शादी करूंगा जब वो मेरे पैसे माफ करेगा। वो तुम देखो पैसों की बात मेरे से मत करे करो, साफ मुझे नहीं पता। मैं जब भी शादी करूंगा जब मैं पैसे माफ, तो उसको जाके बोल या फिर मेरे को तमीज से बात करेगा, अगर इज्जत के साथ रहेगा तो पैसे दूंगा, मैं पैसे भी नहीं दूंगा उसके। तुम फिर वही बात बोल रहे हो, जब मैं कह रही हूँ मेरे को पैसों से कोई मतलब है ही नहीं, वो तुम अपना देखो। यहाँ सर दर्द कर रहा है इतना, सर मार लूं इसमें मैं। क्यों लेते तुम यार इतनी टेंशन? दिमाग खराब कर रखा है सबने मेरा। तो क्यों सोचते हो पापा के बारे में? सब कुछ अच्छा चल रहा होता है फिर तुम्हें पता नहीं क्या हो जाता है, पागल हो जाते हो तुम, फिर पापा का टॉपिक ले आते हो। जब मैं कह रही हूँ इग्नोर करो, नहीं इग्नोर नहीं कर सकते तुम। कैसे करूँ इग्नोर? जैसे मैं करती रोज रोज आके बोलता है। पापा मेरे साथ रहते हो घर पे, तब भी तो मैं इग्नोर कर रही हूँ ना यार। तू कर सकती है, मेरे से इतना नहीं होता यार। कैसी बातें करते हो तुम, मेरा ना सारा मूड खराब कर दो। तो अच्छे मूड से आई थी ना मैं? यार मैं भी अच्छे मूड में बैठा हूं। नहीं आया करूं क्या तुम्हारे पास? तुमसे बोल तो नहीं आऊं तुम्हारे पास? यार ऐसी बात नहीं है, प्यार करता हूं तभी तो बुलाता हूं मैं तुम्हें। तो कैसी बातें करते हो तुम यार? लेकिन यार वो रोज रोज आके बोलता है, मेरा सच में यार मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है। तो वो तुम कर्जे की बात पापा से करो। मैं क्या कह रही हूं, शादी मैं करूंगी, शादी हो जाएगी फिर वो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। कितनी बार बोल चुका उसको,
कि दे दूंगा तेरे पैसे दे दूंगा, रोज आएगा दुकान पे आएगा सुना के चला जाएगा। शादी कब कर रहे हो? साफ सी बात, जब शादी करूंगा जब मेरे कर्जा माफ करेगा। उसका बहुत ज्यादा हो रहा है बुड्ढे का, बहुत बोलता है मेरे को, गंदा गंद से गंद बोलता है। उस कंजूस से अच्छा ही खाता हूँ मैं, उससे अच्छे पहनता हूँ, तुम्हें भी इतना करता हूँ लेकिन फिर भी नहीं सुनता वो। तुम मुझे बस इतना बताओ तुम कब शादी कर रहे हो मेरे से? मैं कर लूंगा यार शादी, वो बात नहीं है, मेरा दिमाग खराब कर जाता है रोज रोज। मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ तुम इग्नोर करो, मुझे बस इतना बताओ मुझसे कब शादी करोगे? मैं तुमसे जब शादी करूंगा, जब तेरा बाप मेरे 20 लाख रुपए माफ कर देगा तभी करूंगा तेरे से शादी। अगर पापा नहीं करवाएंगे तो मैं भाग के शादी कर लूंगी तुमसे। क्या कह रही है ये, मैं समझ आ रहा है? हाँ, मैं तुमसे भाग के शादी। शाबाश बेटा शाबाश, यही तुझसे उम्मीद थी। पापा मुझे तुमने बुलाया नहीं? मुझे पता नहीं, मैंने नहीं बुलाया, खुद आया बाप तेरा चल के। ये क्या कर रहे हैं? मैं तो बच्चा समझ रहा था तुम्हें, उससे पूछ क्या कर रहे हैं यहाँ पे आके। जब का जनाजा निकाल दिया तुमने, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, किसी का मुंह दिखाना है समझे? मुझे क्या पता क्या कर रहे, पूछना अपने बाप से, खुद आया। क्यों नहीं है ये मेरी, तुमने ना यहाँ से कटा दी मेरा ना दिमाग मत खराब कर, इससे पूछ क्या कर रहे हैं यहाँ पे। शर्म नाम की चीज नहीं है। आप क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो यहाँ? आपको पता नहीं मैं इससे प्यार करती हूँ? प्यार करती हूँ इससे, मूंगफली वाले से इससे? तो यार जो, जो हमारी, जो हमारी हैसियत का नहीं कुछ नहीं, तो मूंगफली वाले की कोई इज्जत नहीं है? प्यार करती हूँ ठीक है बाबा, कोई इज्जत नहीं हमारी? यही तो हर बार यही करते रहते हो। इज्जत का ख्याल नहीं, कौन सी कमी छोड़ दी मेरे प्यार में, कौन सी कमी? आप कितने कंजूस हो आपको पता भी है? क्या कमी छोड़ी? कितना कुछ रखते हो मेरे को? कौन सी कमी छोड़ी मैंने कंजूसी में? सारी कमी छोड़ी आपने। मैं इससे प्यार करती हूँ, मैं इससे शादी करूंगी। अबे वे सब कुछ तो दिया, पागल वागल क्या? चुपचाप बैठे, मेरी कोई इज्जत नहीं है? नहीं है इज्जत मेरी, कोई इज्जत नहीं है? मूंगफली बेचते हो तो क्या हो गया? ठीक है, तूने मेरी इज्जत का जनाजा निकाला। अमीर गरीब से कुछ नहीं होता, अमीर गरीब इसके लिए सिर्फ पैसा ही पैसा है बस। आपने अमीरों का क्या कर लिया मेरे लिए? क्या है क्या है वो मेरे को आपसे ज्यादा खुश? अबे तेरे से अच्छा रहता हूँ, समझ आ रही है? वो मेरे को आपसे ज्यादा खुश रखता है, तेरे से अच्छा ही कमाता हूँ मैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे खून गंदा इतना निकलेगा, समझे? मेरी इज्जत का जनाजा निकाल लिया तुमने। इज्जत का कुछ नहीं होता ठीक है? अबे पागल मत कर तू बुड्ढे, वो अच्छा लड़का है और मुझे पता है वो आपसे ज्यादा खुश रखेगा मुझे। मेरे पालने पोसने में कौन सी कमी रही, मेरे प्यार में ऐसी कमी कौन सी रह गई थी? कमी रखी है मेरे अंदर, कटा दी समझे? मेरे इज्जत का जनाजा निकाल दिया आपने, हर चीज की कमी रखी है मेरे को। मुझे देख रही है, समाज में मुंह दिखाने लगी, आपसे ज्यादा खुश रखता है ये? कितना गंदा बोलता है, देख रही है? तेरे सामने बोल रही है, खुश रखता है ये मेरे को? ऐसी कौन सी कमी रह गई थी मेरे प्यार में? हर चीज की कमी रखी है पापा मेरे लिए। ये तो बता ना मुझे, एक कमी तो बता ना मेरे। मैं सारे अपने शौक पूरे करूँ कमा कर, क्या फायदा आपके पैसों का? ये आप पैसों से कुछ नहीं होता, मैं इससे प्यार करती हूँ, मैं जॉब करो अपनी, अपने कहाँ लेके जाएगा इतना पैसा? शादी करूंगी मैं इससे, भाग के शादी कर दूंगी। कौन सी ऐसी वो कर रहा हूँ मैं? आप अगर फेवर में रहोगे तो ठीक है, वरना मैं इससे भाग के शादी कर लूंगी। मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। देखिए इतना गंद गंद बोलता है मेरे बारे में, ना कटाने के लिए समझे, समझ आ रही? देखते है सामने इतना गंद बोलता है, सोच तेज ना रहते हुए कितना बोलता होगा ये मेरे को। आप क्यों बोलते हो इससे फालतू? और क्या बोलूं, क्या क्यों बोलोगे आप? मेरी इज्जत का तो, इज्जत का जनाजा निकला, क्या कुछ आपकी क्या इज्जत है? मुझे समाज में दिखा, मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, मेरी हैसियत बिल्कुल बर्बाद कर दी तुमने। मुझे समाज से कुछ कहीं का नहीं छोड़ा, मुझे समाज से कुछ मतलब नहीं है, मुझे पता है मैं इससे प्यार करती हूँ और ये मेरे से प्यार करता है। मेरे समाज ने तुम्हें नाम दिया समझे, ध्यान रखना। मुझे आप मेरी इससे शादी कराओगे तो ठीक है, नहीं कराओगे तो मैं इससे भाग के शादी करने के लिए तैयार हूँ ठीक है? समझ आ रही है? आपने हर चीज की कमी रखी है, क्या पूरा करा है आपने? मैं सारे शौक पूरे करूं अपने पैसे कमा कर, आपसे ज्यादा खुश रखता है वो मेरे को? गरीब बोलता है, कहता मूंगफली बेचता है, ये बेचता है, वो बेचता है, अपना काम तो करता है वो। आप अपने पैसे ले जाकर क्या करोगे, इतना कहाँ रखोगे? एक पैसा खर्च नहीं करता ये मेरे। मुझे तो पता है कंजूस है। मैं अपने सारे सपने पूरे करूँ, सारे कुछ करूँ अपने पैसे कमा कर, फिर क्या फायदा आपका? कंजूस है कंजूस। वैसे आप इतना बोल रहे हो तो बता, कौन सी खाने में पीने में ओढ़ने में पहनने कौन सी कमी है ऐसी? वो भी मेरे को अच्छा खिलाता है, आपसे अच्छा खिलाता है वो मेरे को। कौन समझा इसको, ये थोड़ी और नाक काटूं। ओ भाई साहब हेलो। अजय बेटा सुनो, कहा अजय बेटा? पहले तो अजय 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 ये अजय वो। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कोई भी हूँ उसको छोड़ो, आपको इसके साथ शादी करनी है या ना करनी है आपको शादी? ये मूंगफली वाला आपको कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत। ये गरीब ऐसे कोई आपको दिक्कत है तो अभी बता दे। बेटी को कोई दिक्कत नहीं है तो आप में कौन सी आफत मच रही है गरीब के साथ ही?
रहना उसको, खाना उसको, सफाई उसको करनी, झाड़ू उसको मारना। इसमें बाबा जी का ठुल्लू क्यों उड़ा रहे हो अपना? मैं अपने समाज में बहुत अच्छी शादी करना चाहता था इसकी। अबे तो मेरे में कौन से कांटे लग रहे हैं ना, तो ऐसे तो बातें मत करो ना कि गरीब है, गरीब के साथ अपनी बेटी नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये चीजें तो मत करो ना। आप बाप हो, अपने बाप का फर्ज निभा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको रोक टोक नहीं कर रहा। आप यूँ कह रहे थे मेरी बेटी मेरे इशारे के बिना ये नहीं कर सकती, मेरी बेटी मेरे इशारे के बिना वो नहीं कर सकती। अभी आपकी बेटी खुद कह रही है कि मैं एक मूंगफली वाले के साथ शादी करूंगी। अब आपने अपनी नाक तो खुद ही कटवा ली यार। मुझे पता नहीं था, इज्जत तो आपकी जब बढ़ेगी ना कि आप अपनी बेटी का हाथ किसी गरीब के हाथ में दे दोगे और शादी करवाओगे, और लोग भी बोलेंगे कि बिल्डर बंदे ने, करोड़पति बंदे ने ये भी नहीं देखा कि मैं इतना अमीर बंदा हूँ और बेटी मेरी मूंगफली वाले के साथ शादी कर रही है। ये होता, मैं प्यार करती हूँ पापा इससे, मजाक नहीं करती। यहाँ पे आके तुम हमें ज्ञान दे रहे हो कि मैं मूंगफली वाले के साथ शादी कराऊंगा, क्या नीच से शादी करवाऊंगा? ऐसे इतना गंद गंद बोलता है मेरे बारे में। अमीर गरीब से कुछ नहीं होता, और गरीब तुम्हारे चक्कर में ना, हमने इतनी बढ़िया जगह पे जाना था पता, तुम्हारे चक्कर में ना 50,000 रुपए का नुकसान हो गया मेरा। ये देख लो फोन आ रहा है अभी भी, तुम्हें लग रहा था नहीं मेरी बेटी ऐसी खराब नहीं हो सकती, मेरी प्रूफ दिखाने के लिए तुम्हें यहां बुला रखा बेटा। अजय बेटा तुम जो कहना चाहो कह लो, मेरे खून क्या कह रहे थे, हम अमीरों का पाद में, हम अमीरों के पाद में जो है खुशबू होती है, पाद के दिखाना जरा। वैसे भी आप पाद नहीं तो आए हो यहाँ पे, और कुछ थोड़ी ना करने आए, गरीब इंसान नहीं होते तो बहुत लड़के काम करने के लिए। हम तो भाई खुद ही लड़के, खुद ही नौकर है, खुद ही काम करना पड़ता, मेहनत थोड़ा बहुत पैसे कमाए थे, आज पेमेंट लेने के लिए जाना था गुड़गांव, फोन आ रहे जा ही नहीं पा रहा, अटक गया मैं। मानोगे 2-3 घंटे से ना बंदे ने मेरे को पानी पीने नहीं दिया, जो मेरी बोतल में पानी पड़ा था सारा घटक गया, यानी 20 रुपए की बोतल बाहर से लेके आ गई। अंजलि जो तुमने करना था कर लिया, ठीक है। मेरा अंजलि ने तो बहुत अच्छा काम करा है, गरीब के साथ प्यार करती हूं और करूंगी। गरीब होना कोई गुनाह है क्या? क्वास कर रहा है यहाँ पे, खड़ा खड़ा रहे ऐसे ऐसे मायूस। ये शक्ल मेरे को बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, बहुत आगे जाओगे आप। मुंह दिखाना अपना बुड्ढे, मेरी खून ने मुझे मुंह दिखाना लगा। इसमें गलत क्या है? गलत कर रहे तो तुम्हें इस चीज ना तो तुम्हें इस चीज की अकड़ है कि तुम 1 करोड़ रुपए, तुम्हें इस चीज की अकड़ है कि तुम 1 करोड़पति हो और तुम्हारी बेटी एक मूंगफली बेचने वाले के साथ शादी कर रही है। लो जी मैं कराऊंगा शादी, बड़े हो रखे हैं ये। अगर आप अपने बाप का फर्ज निभा रहे हो तो आप ठीक कर रहे हो, अपनी बेटी का ध्यान रख रहे हो। अगर आपकी बेटी खुद कह रही है कि वो लड़का मेरा ध्यान अभी से रखता है, तो शादी के बाद क्या उसका ध्यान नहीं रखेगा? वो मेरे को जरूरी थोड़ी ना कि पूरी जिम्मेदारी लड़की का बाप ही करता रहेगा। शादी के बाद किसकी जिम्मेदारी होती है, किसकी होती है? आपकी जब शादी हुई तो आप अपनी वाइफ का आप ध्यान रखते हैं, आपकी जो वाइफ का ध्यान रख, तुम्हारी मम्मी का ध्यान कौन रखता? आप ही रखते हो। एक बात, तुम खुश रहोगे क्या इसके साथ? मैं इसके साथ बहुत खुश। अरे भाई ये चाहे पूरा एक मिनट, ये चाहे पूरा जिंदगी मूंगफली खा के अपनी गुजारे, तुम्हें इससे क्या दिक्कत? उसको रहना है उसके साथ पूरी दिन रात, ये खाना भी मूंगफली के साथ खाएगी, इसको दिक्कत नहीं है। आपको कौन सी जलन हो रही है मेरे को वो जलन बताओ। बंदा पैसे देने के लिए कॉल कर रहा है, मैं उठा नहीं पा रहा, मजबूर हूँ ना, उठाऊंगा ये बक जाएगा, लेकिन अभी तो इसकी और भी नाक काटनी है ना मेरे को। कह रहा हम पादने नहीं आए, भाई साहब पाद के ही जाओगे आप। अब क्या हुआ बोलना? अभी तुम्हारी बेटी ने खुद बोला ना, तुम्हारी बेटी ने खुद बोला ना कि हाँ मैं गरीब के साथ शादी करूंगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है? मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा। नहीं कर, एक काम करते, एक काम करते, इनके दिमाग काम नहीं कर रहा, हम ना एक डॉक्टर को फोन करते हैं, वो आएगा इनका चेकअप करेगा, उसके बाद पता लगेगा क्या दिक्कत है इनके दिमाग में, ठीक है? जब तक रेस्ट करते हैं हम। बोलना क्या हुआ अब गरीब, बोल, जितना गंद बोला था अब बोलना। भाई पार्क में कोई आसपास डॉक्टर है क्या? भाई पार्क में कोई डॉक्टर है क्या दिमाग का? ठीक है बेटा, जैसे इनका दिमाग काम नहीं कर रहा। तुम सही हो जैसे हो। क्या जानवरों का नहीं, इंसानों का डॉक्टर चाहिए भाई। ना जी अब तो पूरा फैसला होगा जब ही जाओगे आप। बोल क्या करना आगे? अरे रुक जाओ, उसकी बीमार हो जाएगा, समझ नहीं आ रही? और तूने खुद क्या बोला, अगर मेरी बेटी गलत होगी तो मैं 20 लाख रुपए का कर्जा भी माफ करूंगा और शादी में जो पैसा लगेगा वो पैसा भी मैं लगाऊंगा। सांस आ रही है? सांस आ रही है क्या? सांस सब कुछ रुक गया, धड़कन चल रही है, धड़कन। ये बेटा शर्मिंदा क्यों कर रहा है? अरे शर्मिंदा कहाँ कर रहा है, तुम्हारा बेटा अजय बेटा तो तुम्हें याद दिखा रहा है कि तुम एक इंसान हो, जानवर नहीं हो, दिल है तुम्हारे अंदर, बिना दिल के नहीं हो।
नहीं इन पे। अगर बेटी की खुशी किसी गरीब के साथ शादी करने में ना, तो अगर तुम रोक रहे हो ना तो तुम गलत हो। तुम बाप हो, उसका ध्यान रख रहे हो, वो ठीक है। ध्यान भी कहाँ रखते हो आप, मेरा ध्यान रखते हैं ये मेरा? छोटी छोटी बातें होती है, छोटी छोटी बच्चों की खुशी होती है। जैसे मेरे को राजमा पसंद है, मेरी मम्मी जिस दिन मेरे लिए राजमा करती है मैं खुश हो जाता हूँ। अब उसको राजमा पसंद है, तुम उसको टींडे खिलाओगे कहाँ से खुशी मिलेगी उसको? आए दिन उसको तुम भिंडी खिला रहे हो, कह रही है कि मेरा ध्यान ये रखता है। हंसो मत, हम हंसने के लिए नहीं है। आपने ही तो बोला था कि मेरा बाप मुझे राजमा तक नहीं खिलाता, इतना कंजूस बाप है। नहीं बोला था? तो वो है ही ऐसे। बोला था ना कि मेरा बाप बन छोटी छोटी भाई जो तुमने बोला वो 30 रुपए का एक पाव राजमा ले आओ, पूरा घर खाता है यार, उसमें भी कंजूसी। शर्म आनी चाहिए यार, क्या फायदा ऐसे बाप का जो अपनी बेटी को पाव 30 रुपए के राजमा ना खिला पाए। अच्छा तो मैं खिला देता हूँ इसको। अभी पता है 6 बज रहे हैं, नहीं तो मैं राजमा चावल वाली जो रेडी वाले नहीं होते, 5 बज रहे हैं अभी होंगे, नहीं तो मैं खिला देता। उल्टा मेरी तो कोई सेटिंग भी नहीं है यहाँ पे, जब भी मैं खिला देता है, ऐसी कोई भी कोई बात नहीं भगवान के नाम पे। तो अपनी बेटी को राजमा चावल नहीं खिला पा रहे, ऐसा बाप है। देखो अब राजमा थोड़े डाल के पानी ज्यादा कर दो राजमा में, कुछ तो करो। आए दिन उस बेचारी को तुम भिंडी खिला रहे हो, ये खिला रहे हो, वो खिला रहे हो। देख अपने कर रहा बाप से बात, अब क्या हो रही है? बोलती बंद हो गई तुम्हारी? बोलो अपने पापा को। रोना धोना लगा रखा था, शादी करूंगी। अपने बाप से बात करो, नहीं सुनते ना। ओ भाई तू जब तक शादी मत करियो, जब तक अपने बाप से बात नहीं करेगी उसको बोल कर इससे अभी बात नहीं करेगी, हमेशा तेरे को आगे पीछे करती रहेगी। देख लेना फिर कभी मेरे पास कंप्लेंट देगा, अभी भी तेरे ऊपर शक कर रहा है भाई। अमीर के चोचले हैं अभी भी रहती हूँ ना मैं। सारा कर्जा आप क्या खर्च करते हो? मैं इसका सारा कर्जा माफ कर दूंगा, और जो शादी में लगा मैं लगाऊंगा, ठीक है? आप लेकिन आप मुझे ये बताओ, शादी एक शर्त पे होगी? शादी एक शर्त पे होगी, जब आए हुए सारे मेहमानों को 1-1 किलो मूंगफली दोगे, जब नहीं तो शादी नहीं होगी। ये भी शर्त है, नाक कटेगी तो पूरी कटेगी। तुम्हें क्या लग रहा है अमीरों के पास से खुशबू आती है? तो बहुत गंदी बदबू आती है, कभी खुद का सूंघ के देखना, जब पता लगेगा। कभी कुछ नहीं रखते ये मेरे को, कभी कुछ नहीं रखते। अब खुश रहेगी ना तू, बात खत्म होगी। अबे बोल रहा तो मूंगफली में तैयार हूँ भाई, बीमार सुन ले, मैं कह तो रहा हूँ लड़का मूंगफली बेचने वाला मूंगफली बेचता है। तुम पैसे वाले बंदे हो, ये गरीब है, मूंगफली बेच के अपना पैसा कमाता है, घर चलाता है। तुम्हारी बेटी के साथ शादी करेगा, चाहे दिन रात इसको, मैं क्या कह रहा हूँ, मूंगफली की सब्जी बना के खिला दे। तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हें अलग सी दिक्कत चल रही है यार। बात कर ले अपने बाप से। तेरे बाप ने ना, ये देख तेरे बाप ने कैमरा लगवा रखा है कि मेरी बेटी मेरा नाक नहीं कटवाएगी, वो किसी मूंगफली बेचने वाले से शादी नहीं करेगी। देख लो अपना नाक खुद कटवा दिया। अमीर लड़की है तो अमीर के साथ शादी करेगी, गरीब जाए गरीब कहाँ जाएंगे? मेरे जैसा गरीब कहाँ जाएगा? मैं भी तो गरीब हूँ। अजय बेटा पहले, अजय अब अजय बेटा, तुम्हारी बेटी भी तुम्हारा साथ नहीं दे रही, मेरे को तो इस बात में बड़ा बुरा लग रहा है। खुशी नहीं रखते, हर बार हर चीज में टोंट मारने होते हैं इनको। जिस काम में तुम्हारी खुशी हो, आप हर चीज में मेरे को टोंट मारते हैं। बताओ इसकी सारी दोस्तों के पास स्कूटी आज भी ये साइकिल पे घूमती है, क्या फायदा हुआ बताओ? गाड़ी खड़ी हुई है तो हाँ, वो किराए की, किराए की ना जिन पे आप किराया लेते हो, बकवास कर रहे हो यहाँ पे खड़े होके। अब शक्ल नहीं दिखा पा रहे क्या कैमरे में? दिखती नहीं है इनको। बोलना बुड्ढे क्या हुआ अब, पूछ इससे क्या पूछूं, ये मेरी कभी सुनते हैं? अजय बेटा आज तक सुनी है, जैसे भी करते हो करो। हाँ मैं तो करूंगा, एक शर्त जो मैंने रखी है बताओ। शादी में सबको 1 किलो मूंगफली दोगे तो बताओ क्या हुआ, कर्जे का क्या होगा फिर? और वो भी इनकी साइड से आएंगी, गुप्ता मूंगफली वालों से आएंगी, बताओ। ठीक है मंजूर है। कितने गेस्ट आएंगे आपके? जितने आएंगे, कितने ऑर्डर दोगे अभी आप? 1,500 जो भी आएंगे सब भाई, इतना हो जाएगा स्टॉक मूंगफली का? भाई बहुत है, डिस्काउंट दे दोगे अगले को? मेहनत करता है वो, ये तो खुद अपना कुछ भी नहीं करते, ये तो कंजूस लड़का लगा रखा है, काम कर रहे हैं बताओ। बहुत कंजूस है, खुद मेहनत करते हैं, खुद खाते हैं। खुद मुझे कुछ बिल्डिंग बनानी पड़ेगी क्या? राजमिस्त्री थोड़ी ना हूँ, बिल्डर हूँ। राजमिस्त्री नहीं हो ना तो राजमिस्त्री मेहनत तो करता, बिल्डर क्या कर रहे हो तुम? लोग रोजगार कुछ भी नहीं करते, बस ताने मारते हैं सुबह शाम मेरे को। मैं पैसे भी कमाऊं, मैं अपने शौक की बेटी इनसे खुश नहीं है, दूसरा कौन खुश होगा? मूंगफली का जुगाड़ करो, जैसे करो मूंगफली का तो जुगाड़ यही करेगा। अब अपनी बेटी का जुगाड़ करो शादी के पैसों के लिए, और 20 लाख रुपए के माफी भी दोगे वीडियो में, बोलो जो इसके बाप ने कर्जा लिया था 20 लाख रुपए वो माफ कर दिया।
इसके बाप ने जो कर्जा लेता 20 लाख रुपए वो माफ कर दिया और सारे सभी बरातियों को 1 किलो मूंगफली दी जाएंगी और शादी का जो खर्चा होगा सारा आप करोगे। हाँ तो अभी इन दोनों को आशीर्वाद भी आप दोगे। चलो आओ सामने दोनों आओ, पांव पड़ो। लो भाई बाप के सामने लड़का लड़की की शादी करवा दी। पूरे YouTube पे मिलेगा ऐसे गरीब और अमीर की शादी बाप के सामने। पूरा YouTube ढूंढ के आओ, बिना माला के कहीं शादी नहीं होती, सिर्फ यहाँ होती है। ये खुश है, मैं भी खुश हूँ। हाँ और इनको भी आए आए जब भी ये आए ना उत्तम नगर से इधर उधर जाएं तो 10-10 रुपए की मूंगफली इनको भी देते रहना। मूंगफली वाले का इतना मजाक उड़ा रहे थे, बताओ यार फ्री में दूंगा इनको तो। भाई जो भी बंदा ठंड में मूंगफली खाता है ना वो बंदा इस वीडियो को लाइक करेगा और वो बंदा शेयर भी करेगा और इसको भी बताएगा कि मूंगफली की क्या औकात है। बिल्डिंग बना ली इसने 4 फ्लोर, पता है 4 फ्लोर कितने होते हैं? 4 फ्लोर के दो ही हैं अभी। 4 फ्लोर, 5वीं 6वीं 7वीं 4 फ्लोर, 5वीं 6वीं 7वीं मैं बनाऊंगा। वास कर रहे हो यहाँ पे, हम कुछ बनवा लेंगे। ठीक है भाई, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। मेरे को नहीं पता, जैसे मर्जी कर दो, मूंगफली का 1 किलो उठा के सब्सक्राइब के बटन पे मार दो, लेकिन कर दो। इतना शेयर कर दो इस वीडियो को कि जो बंदा मूंगफली खाता है ना सबके पास भेज दो कि भाई तू मूंगफली खाता है ना, ले तू देख ये वीडियो, समझ रहे हो। बाकी मैं आपको मिलता हूँ किसी और दिन किसी और बढ़िया वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और हाँ लव यू यार, बहुत प्यारे हो आप लोग।